नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन बेस्टो। हम खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहां पर लोकतंत्र के महापर्व का शुभारंभ होने जा रहा है और 26 तारीख को प्रातः 7 बजे हो जाएगा मतदान प्रारंभ, और जिसके लिए ईवीएम मशीनें यहां पर वितरित की जा रही हैं। ईवीएम मशीनें का जो वितरण है वह आप देख सकते हैं। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है दमोह लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 7, जिसमें 8 विधानसभाएं हैं। दमोह की 4 विधानसभाएं, छतरपुर की 1 विधानसभा और 3 विधानसभाएं हैं। 2285 मतदान केंद्र, 19,22,020 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और बनाएंगे अपनी सरकार, जिसके लिए मतदाता भी तैयार है और यहां पर वह कर्मचारी भी तैयार हैं जो इस मतदान को संपन्न कराएंगे उत्साह से भरे हुए। लोकतंत्र के महापर्व में यह भी अपनी आहुतियां देंगे और फिर चुनेंगे हम सब अपनी सरकार। लोकतंत्र के महापर्व में सब अपनी अपनी आहुतियां देने के लिए तैयार हैं। जहां मतदाता तैयार हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, वहीं मताधिकार का प्रयोग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और वह अधिकारी भी हैं जो इसको संपन्न कराएंगे। महिला अधिकारी यानी आधी आबादी, वह जो पूरे देश में अपने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं और ऐसी मातृशक्ति हमारे बीच में है, हम उससे भी चर्चा करेंगे। आप लोग मतदान दल में संपन्न कराने के लिए जा रहे हैं, मतदान को कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि सच में हम लोग लोकतंत्र के महापर्व में एक हिस्सा ले रहे हैं। जी, आप कहाँ से हैं और कहाँ जा रहे हैं? वैसे हम लोग सब नवोदय विद्यालय से हैं, सभी शिक्षक हैं और अलग अलग जगह ड्यूटी अलग है, हटा में भी है और मेरा हिनौता में है, माइक्रो ऑब्जर्वर ही है हम सारे। ये सब माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में अपनी सेवाएं देंगे, कैसा लग रहा है आपको जब आप ये? मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रही हूँ कि कम से कम मैं एक इलेक्शन के माध्यम से अपने देश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हूँ। और मैं नवोदय विद्यालय हटा से हूँ और मेरी ड्यूटी मर्यादा 28 में लगी है। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रही हैं ए मातृभक्ति। मैडम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, आपका शुभ नाम क्या है? आज आप काफी प्रसन्न भी हैं और इस रहे हैं, जब इतना भजन रहता है और हड़बड़ाहट भी होती होगी, फिर कैसे मेंटेन करेंगे? जैसे भी सिचुएशन आएगी उसका अच्छे से सोल्यूशन करने का की कोशिश करेंगे और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे कि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो अच्छे से हो जाएगी। माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में आप अपने सेवा दे रहे हैं, ये किस प्रकार की भूमिका होती है? माइक्रो ऑब्जर्वर का काम है कि जो भी चुनाव की जो भी प्रक्रिया है वो स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं, या सब कुछ अच्छे से हो रहा है, नहीं पूरा प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, इसको सूक्ष्म निरीक्षण करना, देखना और उसकी रिपोर्टिंग करना, यही माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका है। पूरे चुनाव के दौरान सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखना है और उसमें सहायता करना है कि वो पूरी प्रक्रिया अच्छे से हो जाए। तो चुनाव मित्रों, आपने कही है माइक्रो ऑब्जर्वर की जो भूमिका होती है वह होती है पल पल की स्थिति पर निगरानी रखना, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई चूक ना हो, इसको लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना और इसकी जवाबदारी इस मातृशक्ति के ऊपर यहाँ पर दी गई है जो कराएंगे चुनाव को निर्विघ्न रूप से संपन्न। लोकतंत्र का महापर्व मतदान और 26 अप्रैल को दमोह संसदीय क्षेत्र में भी होगा मतदान। भारत में द्वितीय चरण के मतदान के जो समय दिया गया है उसमें दमोह भी सम्मिलित है और शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है मतदान दल में को सामग्री का वितरण। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर वह दल है जो रिजर्व भी है और साथ में वह भी हैं जिनको मतदान सामग्री दी गई, यानी इस महापर्व में आहुति देने के लिए जहाँ तैयार हैं मतदाता वहीं तैयार है वह दल भी जो इस चुनाव को निर्विघ्न रूप से कराएंगे संपन्न। आपसे भी ये निवेदन है कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, क्योंकि लोकतंत्र में मताधिकार का जो अधिकार दिया गया है वह उसका हमें उपयोग करना चाहिए। दमोह से डॉक्टर एलन बैष्णव।